मुझे लगता है बैडमिंटन लोग इतना पसंद करते हैं, इट्स बीन लव्ड बाय सो मेनी पीपल एंड एवरीवन प्लेज बैडमिंटन एंड आई थिंक जितने भी एकेडमीज बैडमिंटन के वो कम है एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आज यहाँ पे कोसी जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे अपने एकेडमी ओपन होने वाली है। आई जस्ट वांट टू सी के काफी और बैडमिंटन प्लेयर्स आए हमारे कंट्री से, कैसे पॉसिबल होगा सोसाइटी से पॉसिबल होगा देन ऑफ कोर्स कि प्रोफेशनल लेवल। तो अगर इतने जैसे ये खुल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे जो प्लेयर्स यहाँ से निकल के आएंगे दे विल बी फ्यूचर चैंपियंस। सो इट्स सो नाइस टू सी दैट आई एम हियर टुडे टू ओपन सच अ बिग एकेडमी एंड आई रियली वांट टू सी कि यहाँ पे भी और प्रोफेशनल एथलीट्स आए जो साइना जैसे सिंधु जैसे प्रणय जैसे बनना चाह रहे हैं। इन द फ्यूचर वी विल ऑल हैव देम प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल, तो क्या खुशी होगी मुझे। तो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे एंड आई होप कि और भी ऐसे कॉम्प्लेक्स खुले फ्यूचर में। ये एक्चुअली ये ख्याल हम बरसों से एज अ कंपनी फिलोसफी मेंटेन करते रहे हैं। हमारे सबसे ओल्ड प्रोजेक्ट्स जो है इन कुबडाला एंड साहिब दोस्ती एक दोस्ती फ्लेमिंग 2003 और 2005 के बीच में उधर भी वी डिलीवर्ड द फर्स्ट क्लब हाउस अक्रॉस मुंबई एंड वी वर वेरी हैप्पी टू बी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ दैट वी वन मेनी अवार्ड्स हमारे क्लब्स के लिए एंड हर एक क्लब में वी बिलीव के स्टेट ऑफ द आर्ट लाइफस्टाइल एमिनिटीज देने चाहिए ताकि कस्टमर्स कैन रियली एंजॉय देम। एंड दोस्ती का स्ट्रेंथ है कि हम एवरी टाइम कंपनी की लैंड खरीदती है फॉर डेवलपमेंट, तो कस्टमर के लिए एक बड़ा सा लेआउट बन सके कि नॉट जस्ट उनके घर में तो जो भी संस्था हो वो होनी चाहिए लेकिन वन डजंट नीड टू गो आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू एंजॉय अ स्विम और बैडमिंटन टेबल टेनिस एंड सो ऑन। सो इन टुडेज हसल बसल ऑफ मुंबई लाइफस्टाइल पीपल डोंट हैव टाइम, टाइम बीइंग अ वेरी वैल्यूएबल एसेट फॉर ऑल ऑफ अस वी एंडेवर के हमारे एक प्रोजेक्ट में वी ट्राई टू गिव वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज इन द प्रोजेक्ट ताकि कस्टमर के इजीली एंजॉय इट जस्ट इन अ फुटस्टेप्स अवे फ्रॉम हिज हाउस। Correct, correct. We would definitely like that all of our customers, even our staff members and Dosti lead a healthy and wellness-oriented lifestyle. So uske liye we believe ke in all of our projects we would like to deliver top-class sporting infrastructure. And even creating sporting infrastructure encourages openness amongst the community. The kids get to enjoy with the grandparents, kabhi the parents have a small social outing in the amphitheater or while playing the game of badminton. Not necessarily anybody wants to play it professionally, but when one gets into a sport, the dedication, determination, grit jisse hum khel khelte hain, usse hamare kaam mein bhi improvements hota hai. So we encourage a healthy work-life balance for our team. We try to provide whatever max we can ताकि our customers can also enjoy something very nice. चैलेंजेस तो बहुत सारी थी पर यू नो देयर वाज वन थिंग वी हैड अ वेरी गुड गोल एंड अ विजन टू लाइफ एंड वी हैड अ वेरी द मेन गोल वाज टू प्रोवाइड कस्टमर द अल्टीमेट होलिस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी लिविंग। चैलेंजेस मेनली हमारी थोड़ी टाइम ड्यूरेशन की थी, दूसरी की यू नो एवरीबडी नोज दोस्ती का काउंटी इज 100 प्लस एकर टाउनशिप, सो बिल्डिंग अ क्लब बिफोर टाइम बिफोर गिविंग द रेसिडेंट्स इट्स पोजेशन did take a lot from our end with our engineers and all our consultants. Another thing, there was a lot of concrete and you know cement wasted material used, and in order to just fraction it at a very good pace, we had to really play well on our logistics. Our entire project planning logistics for the clubhouse had to be speed up. And another thing was that despite having the club ready at this point,
the entire township is not ready. So while having this fancy club put out here and still having a lot of like pollution and dust control procedures put in around, that has been slightly challenging from our end, because eventually the customer's duty and responsibility is completely in the promoter's end of course. So sometimes, you know, these safety measures were a very big challenge and they till date are. But you know, at the same time, a couple of things that have played out well is that customers, we may be one of the only few developers who are giving customers their amenities and clubhouses before getting possession of the flat also. So that also is a very big booster, because eventually everybody, the main thing everybody wants is timely possession delivery of in their house and all their surroundings. Thoughts about the schools of the cities and people think can tell India that the construction of the building and so how they achieve the interior your house will be the final person. So first of all, तो उन्होंने सही बोला कि time बहुत कम है इंडिया में. जो देखते हैं आप, काफ़ी हमारे पास इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, काफ़ी बिजनेसमैन हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन कम हैं. और हमें चाहिए कि ऐसे कि अगर सोसाइटी में इतने प्रोफेशनल लेवल पे कुछ बन रहा है, दैट्स व्हेन यू विल सी के कुछ अच्छे प्लेयर्स आए वहाँ से. अदरवाइज काफ़ी जगहों पर आई हैव सीन पर्सनली, मेरे कम्युनिटी में भी है जो चल रहा है, मतलब इट्स ओके, एवरीवन कैन गो एंड प्ले, बट इट्स नॉट लाइक दैट प्रोफेशनल लेवल. अभी आपने देखा बैडमिंटन प्रोज को लेके आए हैं, इट्स नॉट ईजी टू गेट समवन that high level immediately. अगर एक आप कम्युनिटी खोल रहे हो तो वहाँ पे बच्चे को क्या पता होगा पहले रैकेट पकड़ना है या क्या उसका फ्यूचर क्या है, उसने सोचा भी नहीं होगा. लेकिन दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द किड. सो उन्होंने हमारे साथ बैडमिंटन प्रोज के साथ हम ज्वाइन किया है ताकि वो बेस्ट कोचेज ला सके और बच्चे को स्टार्ट ही ऐसा कर सके कि उसकी थिंकिंग हो के मैं बेस्ट प्लेयर वर्ल्ड में बन सकूँ. सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थॉट एंड आई एम श्योर कि इन्होंने स्टार्ट किया है एंड काफी अदर कम्युनिटी इनको देखेगी, सीखेगी इनसे, तो हमारे पास पूरे इंडिया में आई एम श्योर स्लोली ऐसा कल्चर बन जाएगा कि अपने घर से ही स्टार्ट होना चाहिए जो नॉलेज है किसी भी चीज का. एंड लेटर ऑन यू सी कि जैसे मुझे भी नहीं मालूम था कि एक दिन मैं बैडमिंटन प्लेयर बन जाऊंगी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिडंट हैव एनीवन लाइक यू नो. अभी हम आप देख सकते हैं इतने सारे प्लेयर्स टॉप 50 में है बैडमिंटन में, बट वो टाइम पे तो हम फर्स्ट राउंड भी नहीं जीते थे. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम्स थॉट कि इसको कुछ बनाना है एट द हाइस्ट लेवल. And today I am here because of one person's belief at that point of time. So वहाँ पे तो community में क्या cement court पे खेलते थे, knee तोड़वा लोगे आप, अपने ankle तोड़वा लोगे, but आज इतने professional level पे आपके पास wooden court है, इतने highly मतलब आपने किस जगह से, मतलब Malaysia से मंगवाया होगा या जो भी best है जहाँ से wood जो मिलता है, ताकि वो soft रहे, हमारे knees पे soft रहे और player और लंबा खेल सके. तो वैसा वो time पे thought नहीं था, अभी बढ़ रहा है क्योंकि sport is growing. Everyone wants to play as said, सब खेलना चाहते हैं बैडमिंटन. It's just that हमारे पास उतने courts नहीं थे, but अभी develop हो रहा है और better हो रहा है. South में तो I think badminton dominate कर रहा है like anything. We have thousands of courts, but Mumbai में चाहिए और North में चाहिए ताकि हम और भी आगे बढ़ सकें. And I think this is the start. ऐसे ही start होता है. It's a very positive start. So I would like to thank Dosti Group for thinking so well about the upcoming मतलब generation and the players. And I'm sure यहाँ से भी कोई बड़ा champion बन गया. What else we need? So I think firstly for any resident here, you know, there are a lot of opportunities, not just badminton, but taffy and gym and health fitness and sports. And so I think that exposure is very good. And the advantage of having an academy like us is we are in the process of creating champions. Of course, not everybody has to become a champion, but it's important to start playing. Lekin wo ek process hota hai, champion kaisa ban sakte hai. So that we have gone through that process ourselves as players. And we also run coaching academies across the country. And with Sainath's mentorship and support, you know, we want to ensure that any child who wants to become a champion, wants to take sports seriously, we will provide that pathway, you know, for them. And the tie-up with Dosti Group, of course, you know, the vision, I mean, where my land, of course, everyone is so premium. And land available, and, you know, the Dosti Group is investing into sports, they could have built maybe more facilities, right? But so I think that's a very welcome move, and we grew some thinking about
sport, and that just encourages academies like us that we are going in the right direction. So I just want to say one thing, that you know, Gujarat West County is a large planned option, and we thought about it, that then obviously we have to give them more than what we have promised them. And badminton, sare other amenities, sare log, sare other complex mein enjoy kar sakte, but we thought we would give something different, something more professional, and that's the reason why we have planned with us. मतलब जो आई एम श्योर मेरा तो इस बार इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ माय आर्थराइटिस एंड आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट और जो मैंने 25 इयर्स अपने गेम को दिया एंड लुक बैक एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी विद व्हाट ऑल आई अचीव बट नाउ द टीम व्हिच इज गोइंग आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम दे हैव वर्क रियली हार्ड एंड डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस दिस टाइम टू गेट अ गोल्ड एज वेल सात्विक चिराग रियली स्ट्रांग एंड वी हैव प्रणॉय वी हैव सिंधु. So I would like to congratulate all of them, and I look forward to the Olympics. I want to see not only badminton but all the other sports. Of course, Neeraj Chopra is one more strong contender for getting a gold medal. So let's see how it goes. And just yeah, and just safety care. Hello. Cricket is everywhere, anyways. So to hum bhul nahi sakte na. So big congratulations to them for winning the World Cup and. कल मैंने देखा उनका सेलिब्रेशन भी काफी काफी अच्छा किया गया. आई होप दूसरे स्पोर्ट्स को भी ऐसा एनकरेजमेंट मिले. देन आई थिंक वी आर नो लेस बिकॉज इन टॉप 50 एज आई सेड वी आर ऑलमोस्ट 10-15 प्लेयर्स एंड बैडमिंटन इज द सेकंड मोस्ट लव्ड स्पोर्ट आफ्टर क्रिकेट एंड आई जस्ट होप के इन फ्यूचर हमें भी वैसा वेलकम मिला तो आप लोग ही बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में और चैंपियंस देखते हैं. मैं दोस्ती ग्रुप को यही मतलब बोलना चाहूंगी कि जो आपने स्टेप लिया है इट्स अ वेरी बिग स्टेप बिकॉज टू प्रमोट स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट यू हैव डन इज रियली रियली बिग बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स वांट टू प्ले बैडमिंटन. मुझे इंस्टा पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, दीदी अकेडमीज नहीं मिल रहे हैं हमें खेलना है. बट नाउ व्हेन दे हैव सच बिग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हियर इन द सोसाइटी इटसेल्फ आई एम श्योर यहाँ पे तो काफी हद तक लड़के लड़कियां खेल पाएंगे बैडमिंटन एंड आई होप इन द फ्यूचर जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है आई वुड लाइक टू सी इट हैपनिंग इन लॉट मोर सोसाइटीज एंड लॉट मोर एकेडमीज ताकि इजी हो प्लेयर को स्ट्रगल ना हो एंड दे लाइक हाउ आई ट्रैवल 25 किलोमीटर्स अप एंड डाउन टू गेट अ प्रॉपर फैसिलिटी. आई डोंट वॉन्ट पीपल टू फेस दैट. जब इतना पॉपुलर हो गया है कोई स्पोर्ट तो आई थिंक घर घर में मिलना चाहिए सब फैसिलिटी. इट शुड बी मच मोर इजियर. We are going in the right direction and hopefully in the next 10-15 years or easy ho jayega. So big congratulations to Dosti group and I'm sure badminton pros will do their level best to get the best coaches and I'm here to motivate lot of youngsters and tell them kaise champion banna hai and I'm there with the youngsters. That's all I can say. Thank you. Well, I hope we are not going to be the